बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल बिस्किट। बहुत ही इजीली आप घर में तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके लिए हम यहाँ ले रहे हैं 2 कप मैदा और 1/3 कप मैंने यहाँ पे दो दफ़ा पिसी हुई चीनी ऐड की है। इसमें 1/3 प्लस 1/3 कप और 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और 1 कप मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आप अगर मिल्क पाउडर ऐड करें तो 4 टेबलस्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लें। इस रेसिपी के लिए इनफ है। और यहाँ पे हम हल्के हाथों से इसकी डो बना लेंगे। आटे को बहुत ज़्यादा मसलेंगे नहीं, बल्कि इस तरीके से नरम सी बिल्कुल डो बना लेंगे आहिस्ता से, बहुत हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा हम इस पर इसको मसलेंगे नहीं। डो हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसे रेस्ट के लिए साइड पे रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पे एग वाइट जो है हम एग से सेपरेट कर लेंगे, एग योक और एग वाइट सेपरेट कर लेंगे। ये हम एग वॉश के लिए यूज़ करेंगे। 7 मिनट्स हो चुके थे। आफ्टर 7 मिनट्स हमने यहाँ पे डो को बेलना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक शीट का यूज़ किया है। आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। बेलते हुए इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि बहुत ही हल्के हाथों से, बेलन से आप इसको बेलेंगे। आप बहुत ज़्यादा थिन इसकी रोटी नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा आपने इसको रखना है। जब आपकी रोटी बेल जाए तो उसके बाद आप कोई भी कुकीज़ कटर लेके डिफरेंट शेप्स के उससे कट कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस ये बिस्किट बनके रेडी होते हैं। आप चाहे इसको डे टाइम में यूज़ करें या आप इसे नाश्ते में। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और घर में मौजूद चीज़ों से हमने इसे रेडी किया है। इस तरीके से हम तमाम बिस्किट्स जो हैं उन्हें कट कर लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से आप इसे उठा के बेकिंग ट्रे में रखेंगे। बेकिंग ट्रे को हम ऑलरेडी पहले से ग्रीस कर चुके थे और बटर पेपर पेस्ट करके हमने उसे ग्रीस कर लिया था। मैंने यहाँ पर ओवन को प्री हीट कर लिया है और अब तकरीबन 10 to 15 मिनट्स में हम इस कुकीज़ को, इन कुकीज़ को बेक कर लेंगे। आप चाहें तो इन कुकीज़ को पतीले में भी बना सकते हैं सेम इसी मेथड से। पहले पतीले को आप प्री हीट कर लें, 7 मिनट तक उसे प्री हीट करें। उसके बाद इस तरीके से एग वॉश करके बिस्किट्स पे आप थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क दें या थोड़ी सी शुगर जो है वाइट शुगर वो आप इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। देखें कितने अच्छे बिस्किट बनके रेडी हुए हैं, इतना खूबसूरत कलर आया है इनका। अगर आप इनको पतीले में बनाएंगे तो तब भी इस तरह का कलर इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पतीले को हम ढक के प्री हीट करेंगे 7 मिनट्स तक। जब तेज़ गर्म हो जाएगा तो आप बिस्किट्स की ट्रे जो है आप उसमें रख दीजिएगा, कोई भी स्टैंड रख के। तो बिस्किट्स जब आपके रेडी हो जाएँ तो इन्हें फ़ौरन आप रिमूव नहीं करेंगे ट्रे से। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए आप इसको कूल होने के लिए रख देंगे। जब आपके बिस्किट ठंडे हो जाएं तो तब आप इन्हें रिमूव कीजिएगा, क्योंकि बिस्किट जो है अपनी शेप पकड़ लेते हैं, अदरवाइज़ बिस्किट्स आपके बहुत ही सॉफ्ट होंगे और वो टूट जाएंगे। लीजिए, हमारे बिस्किट जो हैं बनके रेडी हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी थी जो मैंने ट्राई की है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।